अगर मैं आपको दिख रहा हूँ तो प्लीज मुझे एक बार लकी लकी लिख के बता दीजिए। मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा? सो या दाचो वो लकी डाउन से इन द हाउस। तो बस मैं यही कह रहा था उन लोगों को कि आप लोग कहते थे क्या फिल्टर में ऐसे दिखते हो, वेल्टर देखो भाई ये नॉर्मल फिल्टर है। मैंने स्टोरी भी डाल दी, मैं लाइव आके भी दिखा रहा हूँ कैसा है छोटे। अच्छा हूँ भैया, आप कैसे हैं? तो भाई ये नॉर्मल है लाइव। सो अब मैं फिल्टर भी डाल के दिखाता हूँ अपने आप को। वेयर इज माय फिल्टर? या नाउ यू कैन सी मी गाइस, इट्स अ फिल्टर, इट्स अ फिल्टर, इट इज अ फिल्टर एंड इट्स अ नॉर्मल। या सो सो अपनी दिमाग से ये फजूल की बातें निकाल दो। एंड खास तौर से वो लड़के जो स्टोरी में या लाइक नॉर्मल डीएम करते हैं, भाई तू तो फिल्टर में चल लगता हो, भाई तू तो ऐसा, भाई तू तुम्हें कब होता है ए भाई। पहली बात तुम हो गधे, समझे? तुम प्रॉपर जिसे कहते हैं गधे पैदा होते हैं तुम वो, क्योंकि मतलब तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी को देखा नहीं जज करना चालू। तुम कहाँ के? तुम्हारे पर ही वो आई गेस बना था, आई रिमेम्बर दैट सीन, बड़े दूर से आए बिकॉज यू लुक लाइक ब्रो सीरियसली क्या कहते हैं सर एलियन। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी बिकॉज आई क्रॉस आई कंप्लीटेड 3 मिलियन ऑन इंस्टाग्राम एंड आई एम टू बी प्राउड एंड आई एम फीलिंग हैप्पी बिकॉज मतलब सोचा नहीं था 3 मिलियन हो गए, बट जल्दी से 5 मिलियन क्रॉस करने, फिर उसके बाद 10 मिलियन। तो अभी बहुत लंबा सफ़र है, सो करना ही पड़ेगा। बोलने दो भाई। अरे यार अरबाज थैंक यू सो मच। हाँ एंड फर्स्ट थिंग, मैं अपनी फ़ोटोज़ वगैरह में भी मतलब इतनी एडिटिंग नहीं करता हूँ जैसे लोग बहुत से करते हैं। व्हाट्सअप भाई, व्हाट्सअप मामी कैसे हो? सो मतलब इतनी ज़्यादा एडिटिंग नहीं करता हूँ जो लाइक लोग भर भर के करते हैं, वैसी नहीं होती, नॉर्मल से होती हैं। आपका रियल नेम क्या है? या गुड क्वेश्चन, बिकॉज लाइक आधे से आधे लोगों को लगता है मेरा अरान खान है, बट मेरा अरान खान नहीं है। मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वो फेक नेम को रियल नेम ना बनाएं, बिकॉज लाइक वो मेरा रियल नेम नहीं है। मेरा रियल नेम मेरा रियल नेम लकी ही है एंड आधार कार्ड पे भी वही है, पासपोर्ट पे भी वही है, तो हर जगह वही है। हमें तुमसे प्यार कितना कि हमने यू नो आई एम अ बैड सिंगर बट लाइक मैं सिंगिंग कर रहा हूँ अभी। सो आज मेरा गला भी बैठा है, सो अभी आवाज़ अलग लग रही होगी और मैं सुबह से कुछ अलग अलग सा बोल रहा हूँ बिकॉज मेरे टंग को पता नहीं क्या हो गया है, वो फिसले जा रही है। एंड हमें भाई सीरियसली जब मैं मुंबई आऊँगा मिलना है, और बहुत टाइम हो गया मेरे को, 6 मंथ्स हो गए दिल्ली में एंड मैं किसी भी दोस्त से अपने मुंबई वाले से मिला नहीं हूँ, सिर्फ लोगों से फ़ोन पे बात हुई है बहुत कम लोगों से। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग गाइस गो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बिकॉज मैं यूट्यूब पे आने वाला हूँ एंड मैं अपने कुछ सोच रहा हूँ यूट्यूब के लिए कुछ कॉन्टेंट एंड डिसाइड भी किया है एंड आई गेस हम विद नाउ वी शूट भी कर लेंगे। सो गाइस आई एम वर्किंग at home, so sorry messy सा हो रखा है बिकॉज मेरा रूम ऐसे ही रहता है थोड़ा, मैं मतलब क्लीन भी रखता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं क्लीन नहीं रखता बट ज़्यादातर मैसी हो जाता है। मेरा लैपटॉप थोड़ा बहुत चार्ज हो गया होगा, सो अब मुझे ये सॉरी मेरी ये फेवरेट है एंड मैंने ऐसे लगा रखा है, टेढ़ा मेढ़ा कर रखा है अभी घर को पूरा, मम्मा आके चिल्लाने वाले क्योंकि मैंने रूम में मैसी मैसी कर रखी है। एंड सो मैं आपके लिए बना चाहता हूँ, डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू, ये बहुत अच्छी लाइन है, आप इसको अपनी लाइफ में ज्वाइन करें बिकॉज ऐसा होता ही है सबके साथ मोस्टली। एंड जो पिंक कलर का टेडी बियर था वो मेरा नहीं है, वो मेरी सिस्टर का है। Thank you so much guys for joining my life and thank you so much again for supporting me and loving me because I completed my 3 million on Instagram because of you guys and I appreciate the things and okay bye 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 guys and love you so 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 much bye.
लव यू गाइस।